अच्छा जी, तो अब जरा कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स एंड इंट्यूशंस। जो न्यूरल नेटवर्क हमने पढ़ा उसके बारे में थोड़ा बहुत की जो इंफॉर्मेशन हमें मिली उसकी बेस पे कुछ सिंपल से छोटे छोटे मोटे काम है वो करते हैं, देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। इस पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक्सक्लूसिव और जो आपके पास फंक्शन है तो उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है इस पे। तो एक्सक्लूसिव और का हमने ये भी देखा कि एक्सक्लूसिव और जो है वो क्यों नॉन लीनियर, आप उसको क्यों उस पे जो प्रीवियसली नोन मॉडल्स हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। जरा देखते हैं, हमारे पास हम कहते हैं कि X1 X2 ये इनपुट्स हो गए, ठीक है जी। और एक्सक्लूसिव और, इसका एक्स और अगर हम करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास अगर 0 0 0 1 ये होता है, सो वी गेट द आउटपुट 0 1 1, सॉरी 1 1। सो इन पे हमें आउटपुट मिलता है 0, लेकिन अगर हमारे पास 0 1 हो और 1 0 हो तो इस पे हमें आउटपुट मिलता है 1 1, ठीक है। अच्छा, अब अगर थोड़ा सा इसको देखते हैं कि मैं अगर इसको यू करूं कि मैं कहूं कि X1 bar, ठीक है, तो मेरे पास ये हो जाएगा 1 1 0 0। और अगर मैं X2 bar लूं और मैं कहूं कि ये क्या हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक है जी। नेक्स्ट मैं क्या करता हूं कि इसका लॉजिक सर्किट अगर हम देख लें तो फिर हम, लेकिन आई होप के चीजें ठीक ही होंगी। अच्छा, अब मैं कह दूं कि एंड ऑफ फॉर एग्जांपल X1 कॉमा X1 बार, इसका मैं एंड ले लेता हूं, ठीक है जी। इन दोनों का अगर एंड ले लें तो फिर क्या होगा, हाँ, 0 0 1 है, सारे जीरो, ठीक है जी। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग। एंड एक्स कौन सा, X2 कॉमा X2 बार। अच्छा, इससे क्या आएगा, हाँ ये भी जीरो, नहीं, एंड एंड नहीं, इसका इसका लॉजिक, इसका लॉजिक सर्किट किस तरह है, हाँ, AB into AB। ऑलराइट, अच्छा जी, अब जरा देखिए, अब बेहतर हो गया। X1, अच्छा X1 और X2 bar, ठीक है जी, 0 0 1 0, और इससे आ जाएगा, अब ये किस किस का करना है, इसका और इसका, ठीक है जी, 0 1 0 0, ठीक है जी। अब और कर लेते हैं, लेट्स कॉल इट फॉर एग्जांपल Z1 Z2, ठीक है जी, Z1 और Z2 का और कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास आ जाएगा, हाँ, 0 1 1 0, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है, बल्कि इसको, हाँ अच्छा, इससे ये होगा ना, इससे ये देखे ना, एक्सक्लूसिव और हम करना चाह रहे थे, मतलब ये है कि इसमें, इसको अगर आप न्यूरल नेटवर्क के जरिए इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको जो है कुछ लेयर्स बनानी होगी, हर एक जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, हर एक चीज, इसको छोड़ के, इसको छोड़ के, बिकॉज दिस वॉज अवर आंसर, ठीक है जी। अच्छा, इसको छोड़ के ये जो बाकी आपके पास है इसको आपने बनाना है, एज अ लेयर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आपके पास होगा X1 X2, ठीक है जी, एक लेयर पे आपके पास होगा, यहाँ पे जो चीज इंप्लीमेंट होगी पहले वो होगी नॉट की, वो नॉट करके देगा, ठीक है जी। वो जो है आपको, उससे आपके पास
जो नॉट ये क्या करके देगा, एक्स वन का नॉट करके देगा। और इधर फॉर एग्जाम्पल ये दो लेयर दो वो है नोड्स, इस तरह एक आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है फॉर एग्जाम्पल एक्स वन का नॉट, दूसरा आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्स टू का नॉट, ठीक है। दोनों हो गए और फिर आपने उसको एक और लेयर बनाया कि उसको जो भी इनपुट मिलती है वो उसको एंड कर रहा है, ठीक है। अब अगला जो आपके पास होगा वो क्या कर रहा है, वो जो भी उसको इनपुट मिल रहे हैं इधर से, एंड से, ठीक है, तो वो क्या करके दे रहा है, वो उसको और करके दे रहा है और आपको आउटपुट दे रहा है। तो फिर आप जिस तरह भी इनपुट वो करें, तो ये इसके डिजाइन का तरीका है। तो आपके पास हर जो लेयर है वो आपके पास उसमें जो नोड्स हैं वो आपको कुछ करके दे रहे हैं, मीन्स के वो इसको इसको देखें एक्स वन और एक्स टू फीचर्स थे, उसको ट्रांसफॉर्म किया किसी और शेप में, ठीक है। अब उसकी शक्ल बदल गई, अब इधर से जो आउटपुट मिल रहे हैं वो इस किस्म के मिल रहे हैं आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो है इस ये जो है ये आपको आउटपुट्स दे रहा है, या एक्टिवेशन फंक्शन जो भी आपने लगाया जैसे भी लगाया है वो आपको कुछ और आउटपुट करके दे रहा है। तो हर एक वो आपकी इनपुट यहां से ट्रांसफॉर्म होके कुछ उसकी शक्ल कॉम्प्लेक्स शक्ल बन गई, फिर इधर के बाद कुछ और कॉम्प्लेक्स शक्ल बन गई। अभी देखे ना ये उस तरह है ही जिस तरह एक्सक्लूसिव हमारे इनपुट्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास, तो ये समझाने का मतलब ये है कि हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें आपके पास जो लेयर्स बनते हैं हर लेयर आपको और कॉम्प्लेक्स जो है वो फीचर को ट्रांसफॉर्म करके कुछ और उसकी कॉम्प्लेक्स शक्ल आपको बना के देता है। सो वी विल सी देयर इज एन एग्जांपल, सो यू विल सी के शायद विजुअली आपको कुछ इस बात की समझ आ जाए। अच्छा जी, ये जो है सिंपल, अगर आपने एंड, ये एंड हमने यहाँ पे देखा, अगर एक सिंपल एंड लॉजिक फंक्शन आपने इंप्लीमेंट करना है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क्स, तो वो कैसे किया जाएगा? सो अभी कुछ इंफॉर्मेशन हम शुरू में रखेंगे अपने पास जो इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि सिग्मोइड फंक्शन जो है वो हमें कब वन देता है और कब जीरो। अगर हमें एक्टिवेशन फंक्शन लगाना है सिग्मोइड, तो फिर हमें क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि 0.5 और ये अगर इनपुट की वैल्यू है एक्स, ठीक है। ये अगर आपके पास ये जीरो रहता है एंड देन इट गोज टू वन, और वी डोंट नो, हम कहते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इज क्वाइट लार्ज, ये जो एक्स की वैल्यू है इफ इट्स क्वाइट लार्ज, हम कोशिश करेंगे कि इसकी वैल्यू को बड़ी रखें, किस केस में, जब हमें वन चाहिए, ठीक है, और इसकी वैल्यू को काफी नेगेटिव में काफी बड़ी रखें, नेगेटिव में काफी बड़ी रखें कि हमें जो है हमें पता है कि बस ये हम इधर ना हो, कि हमें अब या अभी हमें या वन या जीरो चाहिए ना, तो हमें एक्सट्रीम्स पे जाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अभी आप देखें जरा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो स्क्रीन पे आपको जो है ये एक्टिवेशन फंक्शन है सिग्मोइड का, मेक अ शेप लाइक दिस। इधर आपके पास इनपुट्स हैं एक्स वन एक्स टू, हमें एंड का पता है कि उसमें कोई सा भी एक जीरो होगा तो आपके पास आंसर जो है वो आउटपुट हमें मिलना चाहिए, कोई सा भी एक जीरो हो तो हमारे पास वैल्यू ये जो आउटपुट आनी चाहिए, ठीक है। ये हाइपोथेसिस जो है ये कोई वैल्यू हमें दे, ये जो इस पे जो जी ऑफ जी हो, ये जो जी की वैल्यू है ये हमें मिलना चाहिए, कोई इस तरह की वैल्यू जो काफी छोटी वैल्यू हो, नेगेटिव में काफी बड़ी वैल्यू हो, मीन्स ये जो यूनिट है नेगेटिव के साथ जो वैल्यू है ये काफी बड़ी वैल्यू हो। और ये वन कब हो, जब यहाँ पे आपके पास ये दोनों इनपुट्स अगर वन हो जाते हैं तो सिर्फ उस केस में आपके पास ये जी की वैल्यू क्या हो, ये काफी बड़ी वैल्यू, समझ आ रही इस बात की? बड़ी वैल्यू जब होगी तो जी ऑफ उस बड़ी वैल्यू पे मैं अगर जी ऑफ जी लगाता हूँ ना, वो जी वो बड़ी वैल्यू है तो मुझे आंसर वन देगा। तो अब कैसे हो सकता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल दीज आर द इनपुट्स, Here we have some weights, ठीक है जी, और यहाँ पे मेरे पास x0 होता है जिसका कुछ वेट होता है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इस वेट को जो वहां पे हमें गिवन भी है -30 कर लेता हूँ, ये हमें पता है कि दिस इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ +20 और +20 फॉर एग्जाम्पल। अब जरा देखते हैं, ये जस्ट हिट एंड ट्रायल हम कर रहे हैं, ठीक। अच्छा तो अब जरा हम देखते हैं, या कुछ वैल्यू और भी हो सकती है, बड़ी ये बड़ी वैल्यू रख लेंगे,
लेकिन ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा सोचना है इस पे कि इसकी वैल्यू कैसे होगी, ये सब समझाने पर्पस के लिए, ठीक। अच्छा, तो आपके पास इधर जब एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा जी ऑफ जी पे, जी हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा अगर मैं इसको स्प्लिट कर दी जी और ए पे, तो जी हमारे पास होगा -30 प्लस 20x1 प्लस 20x2, ऐसे ही होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखें आप कि माइनस, अगर फॉर एग्जाम्पल इनपुट्स आती है मेरे पास, ये मतलब जस्ट इमेजिन कि वी हैव ट्यून्ड द सिस्टम, फाइन ट्यून हमने कर लिया, एंड वी गॉट दिस पैरामीटर वैल्यूज, फाइन ट्यूनिंग इसकी हो गई, एंड वी गॉट इन द एंड समथिंग लाइक दिस। अब जरा इसको चेक करते हैं कि इफ आवर मॉडल इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो फॉर एग्जाम्पल x1 इज 0 एंड दिस इज 1, तो हमें क्या आंसर मिलना चाहिए, एंड है तो 0 मिलना चाहिए, राइट। तो हम कहते हैं कि -30 प्लस 20 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 1, तो इससे आंसर मिला आपको -10। सो जी ऑफ -10, जी ऑफ -10 विल बी समवेयर हियर, राइट। जी की वैल्यू, इफ लेट्स कॉल इट जी, जी की वैल्यू -10 विल बी हियर, और -10 पे सिग्मॉइड पे ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन, ठीक है। लेट्स चेक अनदर वन, 1 1 पे, जस्ट टू चेक अवर मॉडल। सो हमारे पास क्या होगा, -30 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है जी, ऑफ जी। सो आवर आंसर विल बी प्लस 10, राइट, जी ऑफ 10, तो 10 विल बी एक्सट्रीम समवेयर हियर, 10 और 10 पे शायद ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हमें मिले, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट एंड फंक्शन, एंड लॉजिक फंक्शन जो है वो उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग द न्यूरॉन्स या न्यूरल, सिंपल न्यूरल नेट को यूज करके। x नॉट इज ऑलवेज 1। अच्छा, वेट वेट वेट, नहीं, वेट जो है ये आप इनिशियली जस्ट जस्ट लाइक यू रैंडमाइज जिस तरह आप करते हैं, बट इन इन हेयर वो जो है ना, क्योंकि इसको हम ट्यून भी नहीं करते हैं, वी विल सी द बैकवर्ड प्रोपगेशन में हम देखेंगे, सो वी आर नॉट ट्यूनिंग इट, बट इट विल बी अ रैंडम वैल्यू एनी, ठीक है ना। बस जिस तरह आप इससे पहले थीटा नॉट जो है वो स्लोप को रिप्रेजेंट किया करता था, तो इस तरह इसकी वैल्यू होगी जो आपने यूज करनी होगी और सोच समझ के, ठीक। ऑलरेडी और को देख लें, सो और इस तरह कुछ दिखेगा, ठीक है जी। सो इफ यू वांट टू जस्ट राइट इट डाउन, -10 प्लस 20x1 प्लस 20, इसको थोड़ा सा इसका वेट कम कर दिया, 22 का, 22 यूनिट का वेट कम हो गया, सो इससे इट विल एक्ट एज एन और। नॉट जो है, नॉट कैसे होगा, नॉट जो है वो आपके पास, रिमेंबर के नॉट में यू रिक्वायर ओनली वन इनपुट, उसका वो जो है इन्वर्ट करके देता है। सो इन हेयर द बायस इज का वेट जो है वो 10 है, एंड थीटा नॉट, थीटा 1 इज -20 इन हेयर, ठीक है। सो यू विल सी कि इट विल वर्क। ऑलराइट, नाउ अब ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज करके वी वांट टू डिजाइन एक्सक्लूसिव नॉर। अब आपने सर्किट 3 सीख लिया, आपने, आपके पास वैल्यूज आ गई है ना, मतलब यू नो नाउ कि इफ आई वांट एंड फंक्शन आई रिक्वायर दिस एज जी, ठीक है जी। अगर मुझे चाहिए और फंक्शन, दिस इज और, नहीं ये और नहीं, और में हमारे पास था -10, कितना था, -10 था, ठीक है जी। देख लेते हैं दिस वन, राइट, -10, this was our theta naught, theta 1 is how much, 20, and theta 2 is also 20, ठीक है जी। ये हमारे पास readings हैं for और। अच्छा, next हमारे पास not भी हमने देख लिया, because हमें तीन यही main gates चाहिए ना, जैसे universal, क्या इसको क्या कहते हैं, basic gates, basic, universal तो हमारे पास फिर में दूसरे आ जाते हैं, basic gates हमारे पास तीन है जिससे सारे
गेट्स बनते हैं, यूनिवर्सल नैंड और नॉर गेट्स होते हैं। सो इससे सारे गेट्स आपके बन जाते हैं, लॉजिक गेट्स। सो हमें बस ये तीन चाहिए और इसकी बेस पे आप सब कुछ डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक जो आपने पढ़ा वो सारे सर्किट्स, लॉजिक सर्किट्स को यूज करके आप ये तीन यूज करके इससे आपने दुनिया जहान के सर्किट्स बनाए हैं और मुख्तलिफ अदर लॉजिक गेट्स आपने बनाए हैं। लेकिन आप न्यूरल नेटवर्क में ये कैसे यूज कर सकते हैं? अच्छा, फॉर नॉट इट इज थीटा नॉट इज 10 एंड थीटा 1 इज -20। ठीक है जी, वी नो इट नाउ। ऑलराइट, नाउ हाउ कैन वी डू इट इफ वी नो इट? सो एक्सक्लूसिव नॉर, इफ यू वांट टू डिजाइन इट यूजिंग the neural networks. So now you know okay, this is how the AND logic should look like. This is how the NOT X1 AND NOT X2. अगर ये आप करेंगे तो वो इस तरह दिखेगा। NOT X1, X1 को आपने पहले उल्टाया and then X2 को उल्टाया and then उनका AND कर दिया, तो भी नो के AND जो है NOT X1 हम फाइंड कर लेंगे, NOT NOT X2 का मॉडल बना लेंगे लेयर में कुछ ऐड कर देंगे एंड देन वी गाइस उसका एंड कर देंगे। ठीक है, एंड में हमें पता है कि 10 पर माइनस 20 एंड इज माइनस, एंड कौन सा वाला है? दिस वन? नो नो, दिस वन, दिस वन। ठीक है जी, दिस वन राइट। ठीक है जी, और ये जो है ये आपको शो कर रहा है एंड एक्स वन नॉट एक्स वन एंड नॉट एक्स टू, ये और यहाँ पे पता है कि माइनस 10 20 20 अच्छा जी, अब देखें जरा कि एक्सक्लूसिव और जो सर्किट है वो आपके पास बनता कैसे। कि आपके पास एंड है, उसका उसका सर वो कहीं पर होगा इक्वेशन, वो अगर हम यहाँ से बना लें। ठीक है जी, सो वी कैन डिजाइन इट कि हमारे पास है ए बी, फिर एंड हो रहा है ए बार बी बार का एंड है। ठीक है जी, नेक्स्ट इनका और हो रहा है, सो हमारे पास है ए बी प्लस ए बार बी बार, ये है फॉर एक्सक्लूसिव नॉर। हमारे पास उसका लॉजिक लॉजिक इक्वेशन नहीं, वो तो एक्सक्लूसिव और का था ना, ये तो एक्सक्लूसिव नॉर है। मतलब जो एक्सक्लूसिव और था ना उस पे आपने ऊपर कंप्लीट हैड लगा दिए। वो अगर इक्वेशन वो क्या था? ए बार बी, तो इसका अगर आप ये लगा दें और इस पर डिमॉर्गन्स लॉ लगा दें फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा ए बी बार दिस इनटू ए बार बी दिस। ठीक है जी, दिस विल बिकम ए बार बी, ठीक है जी, इनटू, ठीक है जी, दिस विल बिकम ए प्लस बी बार। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये तो बनेगी हाँ ए इनटू ए बार, ए ए बार बी प्लस ए ए बार बी प्लस ए बी बी बार। जो सेकंड क्लास में प्लस बी कौन सा वाला? ये वाला इससे, हाँ ये इसमें प्लस आएगा, हाँ प्लस नहीं आएगा, प्लस आएगा बिकॉज दिस विल बिकम ए और ये डबल बार कैंसिल हो जाएंगे ना आपस में। सो फिर आप अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे ना आपस में तो ये चीज बन जाएगी। ठीक है, अब ये ऑलराइट जी। सो अब एक्सक्लूसिव नॉर की ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के लिए यू रिक्वायर एंड नॉट एंड और गेट। ठीक है, सो बस अभी आपने जो वो पिछला पढ़ा है उसको कंबाइन कर देंगे आप, और हर लेयर में कि आपके पास ए और बी को यूज करके वेट्स को यूज करके, जो वेट्स आपको पता है, और आप जो है इसको डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ए यू हैव बी, ठीक है जी, तो आपके पास अगर ए बी है तो सबसे पहले अगर आपने एंड लॉजिक लगाना है इस पे, ठीक है, एंड से स्टार्ट लेना है, तो एंड कैसे होगा? एंड का हमें पता है कि
उसमें हमारे पास यहाँ पे प्लस वन है, ठीक है जी, दिस इज ए दिस इज बी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि उसको दिस इज कितना माइनस 30 और यहाँ पे 20 और 20 कर देना, ठीक है जी। फिर जो नॉट है आपके पास वो क्या है, उसकी हमें वो पता है, इससे पहले हमने किया, तो आपके पास एक और नोट लगा दी हूँ, ठीक है जी। ये नोट क्या करेगा, वो क्या था कुछ याद है कि नहीं, उसकी क्या वेटेज थी आपने, माइनस 10 प्लस, देख लेते हैं ये था ना 10 माइनस 20, ठीक है जी, ये माइनस 20 हो गया। इधर एक और नोड लगा दे, ये माइनस 20 हो गया, ठीक है जी। ये बी का ना, बी को भी आपने वो करना है ना, इन्वर्ट करना है, ठीक है जी। तो आपके पास ये हो गया, और दूसरी इसको क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, और दूसरा क्या था, 10 था, ठीक है जी। तो प्लस 10 अगर आप फॉर एग्जांपल एक और दो यूनिट्स और ले लें, या इसको अगले में कर लें, ठीक है जी, तो वो ले लें, और इधर इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो जो दूसरा यूनिट आएगा फॉर एग्जाम्पल प्लस वन एक और लगा दें, उसको 10 कर दें, ठीक है जी, एक और प्लस वन कर दें, उसको इधर ले आए 10 कर दें, ठीक है जी। आपके पास ये आ गया, अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने नेक्स्ट जो आपके पास जो वो है, इसको अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, बट इसको यहाँ से बेशक आप इनपुट ना दें, आप इसको इसका इनपुट किसी और वो कर सकते हैं ना, आप यूज कर सकते हैं ना कर दिया। सो आप इस तरह कर सकते हैं, नेक्स्ट यू हैव फॉर एग्जांपल एंड आपने कर दिया, अब इसका एंड कर दें, ठीक है जी, वो इस लेयर में कर दें, फिर आगे आपने और भी आपने पढ़ा, ठीक है जी, और यूज कर लें, तो इसको यूज करके आप इस तरह जो है न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं उसका, विच विल गिव यू इन द एंड द आंसर दैट इज रिक्वायर्ड। अच्छा जी, ये एक बड़ा फेमस काम है जो हुआ हुआ है रिलेटेड टू हैंड राइटिंग डिजिटल क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। तो जस्ट समझाने का मतलब ये है, ये फिर आप लोग देख लीजिएगा कि हाउ इट वर्क्स, इसको कोई भी आप मॉडल को ट्रेन करते हैं और उसके बाद कोई भी इसको इनपुट देते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर, और वो आपको बताता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ये 9 है, 10 है, 1 है, 2 है, कोई भी डिजिट्स डिजिट्स को क्लासिफाई करता है, ठीक है। सो देखिए कि फॉर एग्जांपल 9 इसको एज एन इनपुट इस तरह दिया गया और ये आपको आंसर बता रहा है कि दिस इज 9। अब ये पहला लेयर है आपके पास, पहले लेयर में द थिंग्स आर विजिबल, यू कैन सी के चीजें आपको समझ आ रही है, इसने इसको ट्रांसफॉर्म किया और इस तरह ट्रांसफॉर्म करके फॉर एग्जांपल आपके पास हर मोड पे इस तरह की चीज थी। अब जो नेक्स्ट आपके पास लेयर होगा उसमें मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन जो चीज है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, जब आपका ये फर्दर ट्रांसफॉर्म हुआ तो कुछ इस तरह की चीजें बन गई और आगे लेयर पे तो कुछ और हमें समझ नहीं आया, ठीक है। So that's why it's very hard to visualize कि computer क्या कर रहा है neural networks में, लेकिन ये है कि we should know कि in every layer जहाँ पे हम present में खड़े हैं उसे उसे इसमें complexity ज़्यादा होगी compared to the previous one, ठीक है जी। The reason is very simple, right? कि आपके पास एक node है यहाँ पे शुरू में, तो इधर जो आपके पास activation function है उसमें इनपुट आ रहे हैं x1 और x2 की अगर मैं बात करता हूं, तो एक्टिवेशन फंक्शन इज ए, ए जो है दैट इज बेसिकली g ऑफ इधर फॉर एग्जांपल ये सिंपल सा एक बना लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो a है ये वाला, अगर मैं a लेट्स कॉल इट a1, लेट्स कॉल इट a1, ये आपके पास होगा x थीटा नॉट x1 प्लस थीटा थीटा 1 x1 थीटा 2 x2, लेट्स अज्यूम कि वी आर नॉट कंसीडरिंग द बायस टर्म्स, ठीक है जी, ये होगा। लेकिन अगर यहाँ पे एक एक्टिवेशन टर्म होगा अगले नोड में, तो उधर क्या होगा, उधर बेसिकली होगा g ऑफ एक्टिवेशन फॉर एग्जांपल एट दिस लेयर, लेट्स कॉल इट लेयर 2, दिस विल बी g ऑफ दिस a, ये इसका इनपुट होगा,
with और इधर भी एक आया होगा, इसका भी कोई थीटा होगा, इसका भी होगा, तो ये होगा थीटा ऑफ ए वन, ठीक है जी, वन ऑफ वन, ये होगा ए टू ऑफ वन, ठीक है जी। तो ये आपके पास होगा, लेट्स कॉल इट थीटा वन प्लस थीटा टू ए टू ऑफ वन। लेकिन अब ये ए क्या है, ए ऑलरेडी आप कह चुके हैं कि ये है, सो ये अगर मैं इसको फर्दर एलाबोरेट करता हूं, जी थीटा वन ए, और इसको ए को मैं फर्दर ओपन करता हूं, तो दिस जी ऑफ थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू, ठीक है जी, ये हो गया। फिर अब जो है प्लस प्लस थीटा टू, अब जी ऑफ दिस वन, अगला जो आपके पास ये है इस वाले का ए। तो आप देख रहे हैं कि पहले आपके पास इतनी सिंपल इक्वेशन थी, जिस तरह आप आगे जा रहे हैं ये बढ़ती जा रही है इक्वेशन आपके पास, फंक्शंस के अंदर फंक्शंस आ रहे हैं। सो ये जो है, ये आपको जो है, जो आपके इनपुट्स हैं, इसमें इनपुट्स मौजूद है, एक्स वन एक्स टू मौजूद है ना, यहाँ पे भी मौजूद है ना, तो वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुए, यहाँ गए, इसके बाद यहाँ ट्रांसफॉर्म हुए, तो वो एक्चुअली इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म होके बने, ए जो बन गए उसका ट्रांसफॉर्मेशन है। सो दैट्स व्हाई द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज, और उसकी जो शेप है या जो फीचर्स हैं वो हमें उधर की तो समझ आ रही है लेकिन इधर वालों की नहीं आ रही, दैट्स व्हाई वी कॉल इट हिडन लेयर्स बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड के वो क्या कर रहा है उसके साथ। सर एक लेयर पे मल्टीपल नोड्स हैं, जैसे लेयर टू पे मैप, तो वो हर नोड का एक्टिवेशन फंक्शन सेम ही होना चाहिए या डिफरेंट हो सकता है एक दूसरे से? नहीं, एक्टिवेशन फंक्शन मींस के कि सिग्मॉइड यूज कर रहे हैं, रेलू यूज कर रहे हैं, इस लिहाज से कह रही है। नहीं, जैसे हम सर ये एंड हम एक्स नोड जो इंप्लीमेंट कर रहे थे, अब लेयर 2 पे हमारे पास डिफरेंट इंस्टेंस एक एंड के लिए क्या वैसे तरह हमने और के लिए, हां कर सकते हैं, तो हो सकता है कि ए फर्स्ट नोड एंड कर लीजिए, हां, और हर नोड पे सारे इनपुट फीड होना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं, सब टू यू, ठीक है, कि कैसे आपका न्यूरल नेटवर्क, लेकिन यूजुअली होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करते हैं कि सारे हो, तो ज्यादातर आपको यही नजर आएगा कि सारे ही जा रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। वो आप किस तरह की शक्ल बनाती हैं ये न्यूरल नेटवर्क की अपनी, उसको कैसा स्ट्रक्चर करती हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। अच्छा जी, अभी तक जो हमने बातें की ना वो सारी थी बाइनरी क्लासिफिकेशन, कि एक आउटपुट हमें मिल रहा था इन द एंड, बट आपके पास इन न्यूरल नेटवर्क यू कैन हैव मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एज वेल, कि आप जो है कहें कि मल्टी क्लास, आपको कैसे पता लगेगा कि मल्टी क्लास है या नहीं है, वो आपको ऐसे पता लगेगा कि उसका जो आउटपुट जो आपके पास, फॉर एग्जांपल दीज आर द इनपुट लेयर्स एक्स वन एक्स टू जो भी है, ठीक है जी, और देन सम हिडन लेयर्स, and then you will get here, you will at the output layer you will be having multiple neurons या nodes, ठीक है जी। तो आपको यहाँ पे और यहाँ पे output मिल रहा होगा, और आपको यहाँ पे let's call it y1 y2 y3, और ये आपके पास output vector होगा अगर vector form में लिखें, और इसमें आपके पास होगा अगर इसी को मैं लिखूँ तो y1 y2 y3, जिसमें एट अ टाइम एक एक्टिव होगा, तो वो आपको बताएगा कि आपका जो इस इनपुट्स की बेस पे आपका जो जो भी ऑब्जेक्ट है वो किस क्लास में बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल इफ यू गेट दिस वेक्टर एज 100, आप इसको क्लासिफाई कर रहे हैं इन फीचर्स की बेस पे, आप कह रहे हैं कि मुझे बताओ कि क्या ये कार है या ये एरोप्लेन है, ठीक है जी, या ये कोई कार्ड है सिंपल, तो पिक्चर दिया आपने मींस उससे फीचर्स एक्सट्रैक्ट होके लेयर से गुजरे और इन द एंड यू गॉट समथिंग लाइक दिस 100। आपने कहा है कि अगर ये वन होगा ये कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो भी इंफॉर्मेशन देगा ये एरोप्लेन को और ये जो है कार्ड को, सो इफ दिस इज 100, वन इज रिप्रेजेंटिंग कार, सो यू कैन स्ट्रेट अवे से के our model has predicted के it belongs to a class, the class of cars।
गेटिंग द पॉइंट राइट ठीक है जी. सो ये आपके पास होगा मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन को वन वर्सेज ऑल आप कह सकते हैं जिस तरह इससे पहले आपने पढ़ा हुआ ठीक है. यू सी राइट कि आपके पास यू हैव मल्टीपल आउटपुट्स. सो मल्टीपल आउटपुट में आपको जी जनाब आपने जो भी ये बनाया एरोप्लेन के लिए एक और भी इस तरह की बननी चाहिए कि 1010 नहीं नहीं वो ये होगा ना कि एट अ टाइम इनमें से एक वन आएगा किसी एक आउटपुट पे वन आएगा. वही ना मैं वही कह रहा हूँ ना कि एरोप्लेन के लिए फिर हाँ वन जीरो हाँ अगर आउटपुट आ गया 010 इसका मतलब ये है कि ये एरोप्लेन है ठीक है जी. उसने आपने जो भी उसको इनपुट दिया उसने अगर ठीक डिटेक्ट किया गलत किया है लेकिन उसने आपको कहा कि एरोप्लेन है आप फिर देख लो कि मैंने जो तस्वीर दी है वो एरोप्लेन की थी भी या नहीं थी ठीक है जी. फिर इवेल्युएशन अपने मॉडल की आप इस तरह कर सकते हो. कार्ड की तस्वीर दोगे तो होना ये चाहिए आइडियली कि वो ये 00 और यहाँ पे 1 आए. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि आपके पास पेडेस्ट्रियन है गाड़ी है मोटरसाइकिल है या ट्रक है इन चारों में से कुछ तो अगर पेडेस्ट्रियन होगा कि टॉप पर 100 इस तरह आपका आउटपुट आना चाहिए इधर 1 और इधर 0 पे 0 आना चाहिए. ये होगा 0100001 हर एक के लिए अलग अलग. सर जिस पिक्चर में बात करें किस तरफ कार है हाँ तो बाकी तो सारे 00 आएंगे हाँ तो ये 0 आएगा दिस विल बी 1 एंड देन 00 ठीक. ये आपको आउटपुट पे बताएगा आउटपुट पे कि कौन से वाले जिस इट्स जस्ट लाइक वो नहीं होता कि सर्किट कौन सा वाला सर्किट जो है या कौन से वायर पे आउटपुट आ रही है कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको. अब हम जाएंगे टूवर्ड्स द एल्गोरिदम एंड द एल्गो इज कॉल्ड बैकवर्ड या बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम. लेकिन बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम से पहले हम करेंगे फॉरवर्ड प्रोपगेशन एल्गोरिदम कि हम फॉरवर्ड कैसे जाएंगे और फिर उसके बाद बैकवर्ड हम जाएंगे और आप देखेंगे कि उसमें ये पैरामीटर्स क्योंकि हम हमेशा मशीन लर्निंग के मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग जो एग्जांपल्स हमने किए और करेंगे आगे उसमें अवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वुड बी टू रिड्यूस द कॉस्ट फंक्शन और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए वी हैव टू फाइन ट्यून द पैरामीटर्स. तो इसमें भी दो इट्स वेरी हार्ड यू नो टू डू इट मैथमेटिकली बट वील डू इट. और हम जस्ट किस लिए करना चाह रहे हैं कि हम देखें ये एल्गोरिदम बड़ा मशहूर एल्गोरिदम है कि ये एल्गोरिदम कैसे जो है आपके पास फाइन ट्यूनिंग करता है जिस तरह ग्रेडियंट डिसेंट हमारे पास था ना कि हमें वो फाइन ट्यून करके दे रहा था एंड यू नो द मैथमेटिक्स बिहाइंड इट. सो इसकी भी हमें मैथमेटिक्स पता लग जाए कि जब हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सो वी शुड नो के हाउ इट वर्क्स ठीक है जी. सो इफ यू वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक बिकॉज चाय शाय पी लें और इसके बाद आ जाए because we have to do it or